बिस्किट का पैकेट होता है ना तो उसमें से जो बिस्किट्स निकलेंगे वो सेम होंगे एकदम कॉपीड होंगे तो दे आर कॉन्ग्रेंस और वी कैन से कि स्केल्स होंगे एक ही पैकेट में ही नंबर ऑफ स्केल्स अगर हो तो वो भी कॉन्ग्रेंस है क्योंकि उनका साइज सेम है ठीक है ईच एंड एवरीथिंग सेम है अगर सेम साइज़ के हैं तो ठीक है अगर डिफरेंट साइज के हैं तो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंस मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसमें से इनकरेक्ट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है टू ट्रैंगल्स है क्या बोला कि हमारे पास टू ट्रैंगल्स हैं और अगर उनके एरिया सेम होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रैंगल इज गिवेन बाई टू इन इन टू हाइट सपोज फर्स्ट वाला जो ट्रैंगल है उसका बेस हो गया बी वन और ये हो गया एच वन इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू बेस ऑफ सेकेंड ट्रैंगल इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रैंगल तो देखो मल्टीप्लीकेशन तो किन्नी भी दो नंबर्स का हो सकता है ना सेम फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेस होता है थ्री का और यहाँ हाइट होती फोर की इंटू वन बाई टू करते और यहाँ क्या होता है एरिया तो सेम है बट देखो बेस दोनों के डिफरेंट हो गए तो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट ठीक है तो दिस इज रॉन्ग में हमें इनकरेक्ट मिल गया बट डी देखो डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज मीन्स की देयर इज पॉसिबिलिटी कि और भी ऑप्शन हो सकते हैं इनकरेक्ट तो हमें चेक करना है तुरंत नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ ए ट्रैंगल आर इक्वल टू द करस्पोंडिंग टू साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अनदर ट्रैंगल देन द टू ट्रैंगल्स आर कॉन्गरेंट ठीक है तो उन्होंने क्या कहा कि सपोज टू एंगल्स हैं सॉरी टू ट्रैंगल्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है इन्होंने कहा कि टू साइड्स आर इक्वल ठीक है टू साइड्स आर इक्वल तो ये क्या हो गया सपोज इसको हमने नाम दिया ए बी सी

कौन सा होगा इन्होंने कहा कोई भी एंगल दिस एंगल इज इक्वल एंड दिस एंगल इज इक्वल तो ये हमारे क्या होंगे ये हमारे करस्पॉन् तो ये हमारे कॉन्गोरेंट नहीं होंगे बिकॉज ये हमारा क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल साइड का एंगल यहाँ क्या है बीच में मीन जो दो साइड्स इक्वल हो रही है उनके बीच के एंगल्स अगर इक्वल होंगे तब वो ट्राइंगल्स क्या होंगे ट्राइंगल्स कॉन्गोरेंट होंगे बट यहाँ पे कहा कोई भी एंगल तो कोई भी एंगल नहीं लेना है जो टू साइड्स इक्वल हुई उनके बिटवीन का जो एंगल होगा दैट शुड बी सेम ठीक है तो ये क्या हो गया रॉन्ग मीन्स की अब दो ऑप्शन अगर इनकरेक्ट हो गए मीन्स की फाइनली आंसर तो डी ही होना है स्टिल हम सी वाले को भी चेक कर लेते हैं इफ द हाइपोटेनियस ऑफ वन राइट एंगल ट्रैंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ द अनदर राइट एंगल ट्रैंगल देन द ट्रैंगल्स आर कॉन्गोरेंट्स अब यहां राइट right एंगल की बात हो रही है सपोज दिस इज राइट एंगल दिस इज राइट एंगल अब इन्होंने बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है ये दोनों तो इक्वल हो गए मीन्स एच तो हो गया ठीक है और आर भी हो गया आर मीन्स की राइट right एंगल भी हो गया बट साइड्स इक्वल नहीं हुई जब साइड्स इक्वल नहीं होंगी क्या होता है हमारा आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड्स साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए इन्होंने हाइपोटेनियस है, को इक्वल कर दिया एंगल को इक्वल कर दिया बट साइड इक्वल नहीं बताई दैट्स दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट तो ऑल ऑफ दीज आर इन करेक्ट इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए एडीज परुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी सबसे पहले हम ट्रैंगल बनाते हैं ये हो गया ए ये हुआ बी एंड सी फिर लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन दिस एंड दिस इज इक्वल ए डी इज परपेंडिकुलर बाईस सेक्टर ऑफ बी सी मीन्स ये एग्जैक्टली exactly इसको परपेंडिकुलर बाईस सेक्टर करेगी मीन्स दिस इक्वल टू दिस ठीक है ये हो गया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और ए डी है मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया डी नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी तो था ही अब क्या हो गया बी डी इज इक्वल टू सी डी बी हो गया ठीक है एंड ए डी तो कॉमन ही है तो ए डी दोनों में कॉमन हो गया द प्रॉपर्टी बाई विच ट्रेंगल ए डी बी इज कॉन्गोरेंट टू ट्रैंगल ए डी सी मीन्स ए डी बी कौन से की बात कर रहा है ए डी ए डी बी दिस ट्रैंगल एंड सेकेंड ट्रैंगल कौन सा है ए डी सी तो देखो सबसे पहले है एस ए एस साइड एंगल साइड एस ए एस का मीन्स क्या होता है साइड साइड और बीच में एंगल so, तो देखो बड़ा तो कंफ्यूजन नहीं है तो आप देखो ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल और दिस साइड इज कॉमन दिस साइड इज कॉमन और इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल क्या है राइट एंगल है तो एस ए एस प्रॉपर्टी करेक्ट है अब लिखा है अगेन ऑल ऑफ दीज मीन्स कि हमें और क्राइटेरिया भी चेक करने होंगे एस ए एस दिस साइड इक्वल दिस साइड इज कॉमन दिस साइड इज इक्वल तो ये क्या हो गया कि एस ए एस भी हो गया आर एच एस अब देखो राइट एंगल दोनों में है ये साइड इक्वल थे दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हो गए साइड्स भी दोनों के इक्वल हो गए मींस कि दिस इज आल्सो फॉलो मींस ऑल ऑफ दिस ऑल प्रॉपर्टीज होंगी इसमें

ऑल इक्वे लेटरल ट्रैंगल्स आर कॉन्गोरेंट इक्वे का मीन्स होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल अब ऑल साइड्स तो किसी भी ट्रायंगल की हो सकती है सपोज ये मेरा इक्वे है इसकी ऑल साइड टू 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 है दूसरा मेरा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड फोर 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 है तो दीज आर नॉट कॉन्गोरेंट बिकॉज ये इसकी कॉपी नहीं है या ये इसकी कॉपी नहीं है तो ओनली क्यू इज द इन करेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आईसोसलीज ट्रैंगल्स इन विच AB बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए बी जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है ई e, ठीक e है इफ ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ठीक है रिस्पेक्टिवलीन बी ई इज इक्वल टू मीन्स कि हमें बताने की बी ई किसके इक्वल होगा पहले जो इसमें गिवन है वो गिवेन है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी है ठीक है और इन्होंने कहा कि ए बी का मिड पॉइंट एफ है और ए सी का मिड पॉइंट ई है मीन्स कि मिड पॉइंट का मीन्स किया कि दोनों को जो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो इनके मिड पॉइंट से भी इक्वल हो जाएंगे मीन्स हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी ठीक है नाउ हाफ ऑफ ए बी हो गया एंड यहाँ जो हमारा बी एफ है इक्वल होंगे ना तो दिस बी एफ विल बी इक्वल टू दिस क्या हो जाएगा बी एफ विल बी इक्वल टू सी ई आप लिख सकते हो या आप लिख सकते हो ई सी इज इक्वल टू एफ बी इट्स अप टू यू आप कैसे भी लिख लो एफ बी इज इक्वल टू ईसी ठीक है ये हो गया नाउ अब अगर हम ट्रैंगल की बात करें तो ये दोनों में ही कॉमन है क्या कॉमन है बी सी बी सी इज कॉमन फॉर बोथ ठीक है एंड एंगल अब ये आइसोस आइसोस एलिसल था मीन्स की ये जो दोनों के साइड के एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे सेम होंगे और ये लाइन कॉमन हो गई मीन्स की दोनों के लिए बी सी इज इक्वल टू बी सी ठीक है मीन्स दोनों के क्या हो गए साइड्स इक्वल हो गए और दोनों के एंगल्स इक्वल हो गए मीन्स की एक दूसरे के कॉन्गोरेंट हो गया कॉन्गोरेंट होंगे हो अब जब ये कॉन्गोरेंट होंगे दो साइड इक्वल हो गई एंगल्स इक्वल हो गई तो ऑब्वियस है ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी मीन्स बी इक्वल टू सी एफ ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस, बिकॉज ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्गोरेंट थे तो अगर साइन साइड एंगल साइड से कॉन्गोरेंट है तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो भी सेम होगा इक्वल होगा क्वेश्चन नंबर फाइव इफ यू वॉन्ट टू प्रूव ट्राइंगल एफ ई डी मीन्स की दिस वन इज कॉन्गोरेंटू ट्रैंगल आर क्यू पी मीन्स दिस वन यूजिंग द सैस क्राइटेरिया देन एंगल डी इक्वल टू एंगल पी एंगल डी इक्वल टू एंगल पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग यू नीड मोर ठीक है तो ऐसे के केस में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सेंटर का एंगल इक्वल होता है मीन्स की यहाँ पर क्या होगा एंगल डी इक्वल हो गया एंगल पी के तो इनके जो करस्पोंडिंग साइड्स होंगे आर पी का क्या हो जाएगा आर पी का करस्पोंडिंग साइड क्या होगा एफ डी मीन्स आर पी इज इक्वल टू एफ डी होना चाहिए ठीक है इस एंगल के दो साइड्स एक ये साइड है एक ये साइड है तो सेम वे इधर भी ये साइड होगा और ये साइड होगा मीन्स सेकेंड क्या हो जाएगा ई डी for this this side is ed should be equal to qp ठीक है ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में और टू और साइड्स कौन सी इक्वल होनी चाहिए आरपी एफ डी एंड ईडी क्यूपी बिकॉज एंगल इन दो साइड्स के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू द दस एस क्राइटेरिया तो नाउ अब ऑप्शन देखते हैं ईडी इज इक्वल टू क्यूपी बी में है एफ डी इज इक्वल टू आरपी सी में है मीन्स बोथ बी एंड सी डी इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या करेक्ट होगा एक प्रटिक मार्क करती हूँ मैं डी बोथ बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो ट्राइंगल ए बी सी टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस एस प्रॉपर्टी तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स बना लेते हैं दीज आर टू ट्राइंगल ए बी सी दूसरा ट्रैंगल क्या है ये है डी ई एफ ठीक है सेस में क्या होता है टू साइड्स इक्वल होंगी करस्पोन्डिंग साइड्स के एंड मिडिल के एंगल कि टू साइड्स का जो मिडिल एंगल होगा बिटवीन एंगल वो सेम नाउ चेक करते हैं ए सी इज इक्वल और बी सी इज इक्वल टू सेवन यहाँ हो गया सेवन ठीक है और सी इज इक्वल टू सिक्स दिस इज सिक्सटी फाइव डिग्री ठीक है ई एफ इज इक्वल टू सेवन दिस इज सेवन डी एफ इज इक्वल टू सिक्स सिक्स ंगल एफ इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव ये देखो सिक्स सिक्स सेवन सेवन साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम और जो इनके सेंटर का एंगल है दिस वन एंड दिस वन बोथ इक्वल है सिक्सटी फाइव है मीन्स कि ये तो सही है इस सैस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये तो हमारा कॉन्गोरेंट हो गया और हमें क्या बताना है कि कौन सा नहीं है नाउ अब दूसरे वाले के में देखो ए बी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव है ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने एट पॉइंट फाइव दिस इज एट पॉइंट फाइव ए सी इज इक्वल टू सेवनटीन ये हो गया सेवनटीन एंगल ए इज इक्वल टू फोर्टी एट डिग्री करेक्ट नाउ दूसरे में देखते हैं डी एफ इज इक्वल टू सेवनटीन दिस इज सेवनटीन ई एफ इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव ठीक है एंड एंगल डी इज इक्वल टू फोर्टी एट देखो एंगल तो सेम है ये साइड भी सेम है बट दिस साइड शुड बी एट पॉइंट फाइव यहाँ पे साइड इन्होंने किसकी दे दी इसकी ठीक है ये साइड होना चाहिए था एट पॉइंट फाइव तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है तो बी इज रॉन्ग ए बी फोर पॉइंट सेवन है डी ई फोर पॉइंट सेवन है दोनों सेम साइड हैं ये और ये फोर पॉइंट सेवन हो गया बी सी सिक्स है और ई एफ सिक्स है है ना तो ये बी सी हो गया सिक्स और ये ई e एफ हो गया सिक्स एंगल बी एट्टी डिग्री मीन्स दिस एट्टी डिग्री और एंगल ई एट्टी डिग्री तो करेक्ट है ठीक है तो लास्ट वाला भी ऐसे ही करेक्ट होगा तो बी वॉज द रॉन्ग आंसर इन द गिवन फिगर पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिस पी ए इज परपेंडिकुलर टू दिस ए बी मीन्स दिस इज राइट एंगल करेक्ट एंड क्यू बी दिस क्यू बी दिस क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी मीन्स की बेसिकली पी ए एंड क्यू बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक ट्रेंगल ओ पी ए मीन्स की किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं ओ पी ए दिस ट्रेंगल इज कॉन्गोरेंट टू ओ बी क्यू दिस ट्रेंगल ठीक है दो ट्रैंगल्स हैं कॉन्गोरेंट की बात करें अब यानी कि अगर ये दोनों कॉन्गोरेंट है तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी पी ए इज इक्वल टू ओ बी पी ए ओ बी कभी भी सेम नहीं होंगे दिस इज रॉन्ग ए पी ए पी मीन्स डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन बी क्यू अप टू डाउन डायरेक्शन दीज आर इक्वल बिकॉज ये अगर हमारे कॉन्गुरेंट हैं ठीक है थीके? तो ये हमारा सही है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ठीक अब ओ पी इज इक्वल टू बी क्यू ओ पी और बी क्यू ये कभी भी सेम नहीं होंगे तो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू ओ ए और ओ क्यू ये भी गलत होंगे तो दिस इज रॉन्ग विच वन इज करेक्ट बी इफ ट्रैंगल ए बी सी कॉन्गोरेंट टू ट्रैंगल पी आर क्यू देन एंगल बी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू चलो ठीक है सबसे पहले तो हमें दो ट्रैंगल्स बनाने हैं हमने लिखा ए बी सी और यहां पे लिखा पी आर क्यू ठीक है अब इन्होंने कहा दोनों कॉन्गोरेंट है अब एंगल बी एंगल बी और एंगल आर होने चाहिए मींस ये रॉन्ग हो गया ये रॉन्ग हो गया पी क्यू मीन्स दिस पी क्यू शुड बी इक्वल टू दिस ए सी मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन क्लियर है

this side equal to this side this angle is equal to this side and this line is common for both triangle ठीक है means कि अगर हम इस triangle की और इस triangle की बात करें तो इनके base same है है ना क्या है Q T equal to T R है angle T दोनों में ही common है और दोनों ही 90 degree है ठीक है और इनके जो एसपी लाइन है दैट इज कॉमन इन बोथ ठीक है तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए अब ये होंगे तो ऑब्वियसली ये भी क्या होंगे हो हो दोनों क्वेश्चन हो हो में गिवन है और एसपी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है एसपी इज इक्वल टू एस पी कॉमन हो गया ठीक है ये दोनों में कॉमन हो गया ये साइड ये साइड इक्वल हो गई ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मींस साइड एंगल साइड विच प्रॉपर्टी सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस इफ ट्रैंगल ओ ए पी कॉन्गोरेंट टू ट्रैंगल ओ बी क्यू एग्जैक्टली सेम तो नहीं बन रहा है क्योंकि रफ हैंड से बना रहे हैं दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इसमें से क्या ट्रू नहीं होगा ए ओ इज़ इक्वल टू बी ओ एज इक्वल टू बी ओ करेक्ट है ए पी ए पी इज इक्वल टू बी क्यू ये भी सही होगा पी ओ पी ओ और बी ओ पी ओ और बी ओ नहीं होगा बिकॉज पी ओ जो होगा वो क्यू ओ के इक्वल होगा पी ओ इक्वल होगा क्यू ओ के तो दिस इज़ रोंग मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस दैट इज नॉट ट्रू लास्ट वाले भी चेक कर लेते हैं एंगल पी मीन्स दिस ए पी ओ और एंगल बी क्यू ओ दिस एंगल दिस विल बी सेम करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ पी ओ इक्वल टू बी ओ इज नॉट पॉसिबल तो सी इज द नॉट ट्रू विच कॉन्गोरेंस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू स्टेट च ए बी कौनगोरन टू डी ओ सी क्या है ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी सबसे पहले तो देखो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दीज आर अपोजिट एंगल्स मीन्स कि ये भी इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा एस ए एस साइड साइड एंगल ठीक है तो बी इज द राइट ऑप्शन इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी क्वल टू लाइन सेगमेंट पी क्यू मीनस दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिसमेंट इफ सी एंड आर आर मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा ए बी को और आर जो है मिड पॉइंट है पी क्यू का मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा पी क्यू को मीन्स पी आर इस केस में क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा और इस केस में पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ठीक है देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी प्लस किसकी लेंथ बतानी है हमें बी सी प्लस पी क्यू की ठीक है बी सी मीन्स हाफ लेंथ ऑफ दिस और फुल लेंथ ऑफ दिस तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब ये दोनों ही सेगमेंट्स क्या हैं कॉन्गोरेंट हैं मीन्स फोर मीन्स फोर एक्स प्लस थर्टीन विल बी इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फाइव अब हम सेम टर्म्स को मतलब कि से, सेम सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ लाते हैं मींस एक्स वाले को एक साइड और बिना एक्स वालों को एक साइड तो जिधर बड़ा हो छोटे वाले को साइड लेके जाएंगे तो थर्टीन इधर बड़ा था तो फाइव को इस साइड लेके आए फाइव यहाँ माइनस साइन के साथ था तो जब अपोजिट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा सेम वे सेवन एक्स बड़ा था तो उसको हमने नहीं डिस्टर्ब किया फोर एक्स को अपोजिट साइड लेके गए यहाँ फोर पॉजिटिव था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स हो जाएगा जब इक्वल के अपोजिट साइड जाते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होते हैं नाउ थर्टीन प्लस फाइव क्या होगा एटीन और सेवन एक्स से माइनस फोर एक्स किया तो हमें क्या मिलेगा थ्री एक्स अगर थ्री एक्स इज इक्वल टू एटीन है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटीन डिवाइडेड बाई थ्री प्रोडक्ट में था डिवाइड कर देंगे अपोजिट साइड जाएगा तो थ्री सिक्स या एटीन तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें सिक्स अगर एक्स की वैल्यू सिक्स है तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी ए बी इज इक्वल टू है फोर एक्स प्लस थर्टीन मीन्स फोर इंटू सिक्स प्लस थर्टीन ठीक है इज इक्वल टू फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर प्लस थर्टीन इज इक्वल टू क्या होगा थर्टी सेवन तो नाउ ए बी एंड पी क्यू कॉन्गरेंट थे तो पी क्यू की वैल्यू भी क्या होगी थर्टी सेवन नाव अब हमें चाहिए बी सी की वैल्यू तो बी सी क्या होगा हाफ ऑफ ए बी ए बी डिवाइडेड बाई टू तो बी सी इज इक्वल टू थर्टी सेवन बाई टू इज इक्वल टू थ्री वन जै थ्री थ्री एट जै सिक्सटीन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव आप इसको रफ में भी डिवाइड करके देख सकते हो तो नाउ हमें बताना क्या है बी सी प्लस पी क्यू ठीक है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू PC, BC पीकी बी की वैल्यू है एटीन पॉइंट फाइव और पी की की वैल्यू है थर्टी सेवन ऐड करो तो पॉइंट फाइव तो रहेगा ही अकेला एट प्लस सेवन फिफ्टीन की फाइव पावर आई वन तो थ्री प्लस वन फोर और पावर वाला वन फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव तो विच इज राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस आई इन द गिवेन फिगर सी एफ एंड ई एंड ए आर इक्वल मेंशन कर दिया इक्वल परपेंडिकुलर ऑन बी डी एंड दोनों क्या है परपेंडिकुलर है इस बी डी पर ठीक है एंड बी एफ इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू ईडी ठीक है बी एफ इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू ईडी ये तीनों इक्वल हैं ठीक है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है देन एंगल बी ए ई मीन्स की बी ए ई दिस एंगल विल बी इक्वल टू सपोज कि दिस इज दिस इज ट्रेंगल नंबर वन एंड दिस इज ट्रेंगल नंबर टू ठीक है ट्रेंगल वन का जो बी ई होगा है ना टू यूनिट्स हैं बी एफ प्लस ई एफ विल बी इक्वल टू ट्रेंगल टू के डी एफ या आप कह सकते हो एफ डी क्योंकि यहां पर भी टू यूनिट्स ऐड हो रही हैं और यहाँ पर भी टू यूनिट्स ऐड हो रही हैं ठीक है क्लियर है और क्लियरली मैंशन है कि क्वेश्चन में कि ए इक्वल टू इक्वल टू सी एफ है क्लियरली मैंशन है मीन्स दोनों साइड से इक्वल हो गए और परपेंडिकुलर है तो इन दोनों साइड्स के ठीक है अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल ठीक है ये साइड ये साइड के इक्वल अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल दिस वन है 90 डिग्री और इन दोनों साइड के इसके और इसके साइड के बीच का एंगल दिस वन है ठीक है मैंने जिस साइड को मार्क किया है दिस वन और दिस वन का एंगल ये और ये भी क्या है नाइन्टी डिग्री मीन्स एस ए एस की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये दोनों कॉन्गोरेंट है अब फिर एंगल इक्वल होगा डी सी एफ डी इज द राइट ऑप्शन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलिंग ट्रैंगल्स आर नॉट कॉन्गोरेंट टू इच अदर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ठीक है तो ये कॉन्गोरेंट हो गए ए एस ए एस ऑल साइड आर इक्वल नाव यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है एंगल 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 साइड मीन्स की एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये भी कॉन्गोरेंट हो गए नाव यहाँ पर क्या है एंगल 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 तीन एंगल्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता तो दिस इज रॉन्ग ठीक है तो सी इज़ द राइट ऑप्शन लास्ट वाला भी देख लेते हैं यहां देखो राइट right एंगल तो आर हो गया हाइपोटेनियस एच हो गया साइड तो एस हो गया ठीक है तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस बिकॉज हमें फाइंड आउट करना था कि विच पेयर इज नॉट कॉन्गरेंट तो सी में जो ट्रैंगल्स हैं दीज आर नॉट कॉन्गरेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फॉर ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ द करस्पॉन्डेंज कर दिया अल्फाबेटिकली अलग सी ए बी और ईडीएफ गिफ्टेंस विच ऑफ दॉ तो सबसे पहले तो देखो सी ए बी है और इधर क्या है ई डी एफ है मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड सी एक्वल टू ईडी हो गया और वी कैन से इज़ इक्वल टू डी ई हो गया ठीक है हम दोनों ये दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं मीन्स ये तो ट्रू कंडीशन हो गई तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट इधर से ए बी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा ठीक है नाउ ए एफ ए बी इज इक्वल टू डी एफ है और यहाँ ए बी इज इक्वल टू ई एफ लिखा है मीन्स दिस इज द नॉट ट्रू कंडीशन स्टिल हम चेक कर लेते हैं ए सी हो गया ए बी हो गया तो ट्रैंगल सी ए बी में जो साइड बचा वो क्या होगा बी सी और यहाँ डी ई हो गया डी एफ हो गया तो ट्रैंगल ई डी एफ में जो साइड बचा वो क्या होगा ई एफ ये दोनों सेम होंगे बट यहाँ क्या लिखा है ए बी इज इक्वल टू ई एफ तो दिस इज नॉट ट्रू और दोस्तों यहाँ पर एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा अगर दे आर कॉन्गोरेंस ठीक है ठीक है सेम वे एंगल सी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा बिकॉज दे आर कॉन्गोरेंस तो सिर्फ और सिर्फ जो अंट्रू कंडीशन है दैट इज ए बी इज इक्वल टू ई एफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन द गिवन फिगर इफ ए डी इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंगल बाई सेक्टर का मीन्स है कि वो एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अब ये दोनों एंगल क्या होंगे बी ए डी एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी एंगल सी ए डी एंड ए डी दोनों को में ही कॉमन है तो ए डी इक्वल टू ए डी ठीक है और ये साइड गिवन है कि इक्वल है मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी तो आप हमें बताना है कि कौन से कॉनगोरेंस होंगे ट्रैंगल ए बी डी ए ए डी सी ए डी सी ये नहीं होंगे सेकेंड ऑप्शन में है ट्रैंगल ए बी डी ए बी डी और इधर क्या है ए सी डी तो ये हमारे क्या होंगे कॉन्ग्रेंस होंगे तो बी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड एल एम एन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम एंड क्यू आर इज इक्वल टू एल एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक है तो हम पहले ट्रैंगल्स बना लेते हैं फर्स्ट ट्रैंगल हमने ये बनाया दूसरा ट्रैंगल हमने ये बनाया ठीक है इन्होंने क्या बोला पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर मींस क्यू जो है दैट इज कॉमन पॉइंट ठीक है तो लेट हमने क्यू को इस साइड लिया यहां पी लिया और यहाँ आर लिया ठीक है दूसरा हमारा क्या है एंगल जो पी है दैट इज इक्वल टू एंगल एम ठीक है तो ये अगर एम है तो कैसे होगा एल एम एन ठीक है एंड क्वेश्चन में क्या लिखा PQ equal to QR है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर तो हो ही गया अब क्या मैंशन है क्यू आर इक्वल टू एल एन मीन्स की दिस क्यू आर इज इक्वल टू एल एन क्लियर है एंगल हो गया सही हो गया ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ट्रैंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स ओनली हम नहीं कह सकते कि ट्रैंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट्स हैं बिकॉज पहले तो हमारी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए या ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा दो साइड्स अगर हम सैस प्रॉपर्टी को देखें तो टू साइड्स और उनके बीच का एंगल सेम होगा फॉर बोथ ट्रैंगल ऐसा नहीं है या ऑल साइड्स इक्वल हों ऐसा भी मैंशन नहीं है ट्रेंगल्स आर आइसोसेल्स ओनली ऐसा भी नहीं है बिकॉज इनकी दोनों साइड्स इक्वल इसकी तो हैं बट इसके बारे में कुछ भी मैंशन नहीं है तो दोनों ट्रैंगल्स आइसोसेल्स नहीं हैं ठीक है दिस इस, इस वाले ट्रैंगल को कह सकते हैं बिकॉज इसकी दो साइड्स सेम है ठीक है ट्रेंगल्स आर बोथ कॉन्गरेंट एंड आइसोसेल्स तो वो तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो नन ऑफ दिस डी इज द राइट ऑप्शन द गिवन फिगर इफ पी आर इक्वल टू क्यू आर पी आर दिस पी आर इक्वल टू क्यू आर एंगल एस आर पी एस आर पी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू टी आर क्यू मीन्स दिस एंगल समझ में आया देखो सबसे पहले तो हमारा ये साइड्स इक्वल हो गई ठीक है दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने कहा आ, इस साइड से और इस साइड से ये एंगल इक्वल हो गए ठीक है फिर क्या लिखा एंड एंगल एस क्यू पी एंगल एस क्यू पी मीन्स दिस एंगल एस क्यू पी ठीक है टी पी क्यू मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो गए ठीक है दो एंगल्स इक्वल हो गए ये एंगल इक्वल हो गया और ये साइड तो एंगल साइड एंगल का हो गया ना दो एंगल्स इक्वल हो गए और ये बेस वाली दोनों की साइड इक्वल हो गई ठीक है देन अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से ट्रेंगल कॉन्गोरेंट है ट्रेंगल जब हमारा कॉन्गोरेंट होगा तो एस क्यू आर विल बी ट्रेंगो विल बी कॉन्गोरेंट टू तो टी आर पी ठीक है टी आर पी होना चाहिए तो ये गलत हो गया ट्रेंगल हमारा कॉन्गोरेंट होगा वो क्या होगा एस एस क्यू आर दिस वन और इधर से टी पी आर दिस वन तो ट्रेंगल एस क्यू टी पी क्यू टी पी क्यू क्लियर है तो अब यह ऑप्शन कहां पर है बी में ठीक है अब ये इक्वल होंगे अकबर ये दोनों इक्वल होंगे अब इसके साथ लिखा है और कोई ऑप्शन है नहीं तो दिस इज करेक्ट बट एस आर इज इक्वल टू टी आर भी चेक कर लो एस आर मीनस की दिस वन दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन तो बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है

परपेंडिकुलर टू क्यू एस इसके परपेंडिकुलर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल मेक द टू ट्रैंगल्स कॉन्गोरेंट अब इसमें से कौन सी कंडीशन बनाएगी इनको कॉन्गोरेंट देखो पी आर तो दोनों में ही कॉमन है ठीक है दोनों में ही कॉमन है और ये दोनों ही क्या होंगे राइट right एंगल होंगे परपेंडिकुलर है तो अब इनके जो साइड्स हैं मीन्स की एस ए एस एस ए एस के अकॉर्डिंगली आर क्यू मीन्स की दिस वन शुड बी इक्वल टू आर एस तो क्या हो जाएगा टू साइड्स और उनके बीच के एंगल सेम होंगे मीन्स कि दिस इज करेक्ट ठीक है अब दूसरा है कि अगर हम लगाते हैं आर एच एस का क्राइटीरिया राइट एंगल ठीक है एंड हाइपोटेनियस एंड साइट्स तो साइड ये हो गया राइट right एंगल ये हो गया हाइपोटेनियस ये हो गया मीन्स पी क्यू एंड पी एस ये हमारे इक्वल होने चाहिए मीन्स दोनों पॉसिबिलिटी इस क्राइटेरिया के हिसाब से दिस वन और इस क्राइटेरिया के हिसाब से दिस वन तो आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज होगी करेक्ट होगी तो हमारे ये दोनों ट्रैंगल कॉन्ग्रेंट्स होंगे अकीरा गेव अ प्रॉब्लम टू तो हर सिस्टर कायदा हाउर कायरा गॉट स्टक हेल्प कायदा टू तो आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेंगल्स आर कॉन्गोरेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ये फाइंड आउट करना है कि दीज ट्रेंगल्स आर कॉन्गोरेंट और नॉट तो अब देखो इसमें जहाँ पे सिंगल ये लाइन्स लगी है ना दीज आर इक्वल्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एम सी ठीक है लेट दिस इज ट्रेंगल वन दिस इज ट्रेंगल टू तो अगर ट्रेंगल वन की बात करें तो सी बी या बी सी will be equal to बी ई प्लस ई सी ठीक है सेम वे जो हमारा डी सी होगा डी सी वो इक्वल टू होगा एम डी प्लस एम सी और ये सारे के सारे इक्वल थे दैट्स वाई सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी ठीक है नाउ अब देखो डायग्राम में क्या गिवेन है दिस इज इक्वल टू दिस मीन्स की ए सी इज़ इक्वल टू क्या गिवेन है डी ये गिवन है क्वेश्चन में दो साइड से इक्वल हो गए अब बचा क्या साइड हमारे पास ए बी तो ये तो ऑलरेडी इक्वल था ए बी इक्वल टू ई सी ठीक है ना ए बी इक्वल टू ई सी ठीक है तो अब देखो फर्स्ट क्राइटेरिया मीन्स की दिस सी बी इक्वल टू दिस डी सी ठीक है एंड दिस ए सी इज इक्वल टू दिस और दिस लाइन इज इक्वल टू दिस तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्गोरेंस हो गए तो अब क्या हो जाएगा यस दीज आर कॉन्गोरेंस अब ट्रैंगल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे इसके लिए ई ई e, सी ठीक है ये हो गया एंड सी बी ए दिस वन तो डी इज द राइट ऑप्शन नंबर ट्वेंटी वन थ्री स्टूडेंट्स वरुण कार्तिक एंड सिद्ध रोट अ स्टेटमेंट ऑन अ ब्लैक बोर्ड वरुण रोड टू रैक्टेंगल्स आर कॉन्गोरेंट इफ दे हैव सेम पैरामीटर मीन्स कि ये रैक्टेंगल है एक ठीक है इसका एल हो गया इसका बी हो गया सपोज दूसरा रैक्टेंगल है जिस टाइप है ये एल हो गया ये बी हो गया ये एल वन बी वन एल वन एल टू बी टू अब इनके पैरामीटर दोनों सेम होंगे तो दे आर कॉन्गोरेंट तो कभी नहीं हो सकता इनका समीशन में भी हो सकता है कि यहां पर हमने एल को ले लिया थ्री यहां पर हमने ले लिया फोर यहां हमने बी को ले लिया फोर और यहां ले लिया इसको थ्री तो पैरामीटर सेम होने से दे आर नॉट कॉन्गरेंट ठीक है नाउ अब इसके बाद क्या लिखा है कार्तिक रोड टू स्क्वायर्स आर कॉन्गरेंट इफ दे हैव सेम एरिया अब स्क्वायर के केस में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं एंड फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड ठीक है तो जब दोनों ही सेम डिजिट होंगी तभी इक्वल होगी मीन्स अगर एक स्क्वायर है टू उसकी साइड्स है तो फोर आएगा और दूसरे का अगर साइड फोर है तो वो सिक्सटीन आएगा मीन्स कि अगर साइड्स इक्वल होंगी तो एरिया भी इक्वल होगा दैट्स वाई स्क्वायर जिनके एरिया सेम होंगे दे आर कॉन्गोरेंट ठीक है नाउ सिद्ध रोड टू सर्कल्स आर कॉन्गोरेट कॉन्गोरेंट इफ दे हैव सेम डायामीटर सेम डायामीटर मीन्स डी इज इक्वल टू टू आर वन इज इक्वल टू टू आर टू मीन्स आर वन इज इक्वल टू आर टू आर वन आर टू सेम होंगे तो अगर हम उनका एरिया निकालें या पेरीमीटर निकाले, एरिया हम निकालेंगे पाई से, और अगर हम पेरीमीटर टू पाई आर से तो बोथ के केस में वो सेम होगा बिकॉज आर वन आर टू की वैल्यू सेम है तो हुक्ट स्टेटमेंट तो कार्तिक ने भी सही लिखा सिद्ध ने भी सही लिखा मीन्स बी इज द राइट स्टेटमेंट अ टीचर आस्ट आकाश विच ऑफ़ द फॉलिंग ट्रैंगल्स इज कॉन्गोरेंट टू द गिविन ट्रैंगल्स वॉट कुड बी द करेक्ट आंसर अब यहाँ पर देखो क्या है कि टू साइड्स गिवेन है एट मीटर की फाइव मीटर और इनके बीच का एंगल क्या है एटी डिग्री तो एस ए एस मीन्स साइड साइड और एंगल वाला ही रूल लगेगा क्राइटेरिया लगेगा अब जहाँ पर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल एट्टी डिग्री होगा वही इसका राइट right ऑप्शन है तो नाव चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में एट एंड फाइव साइड्स आर इक्वल बट एंगल कहीं और है तो दिस इज रॉन्ग सेम वे साइड्स आर इक्वल बट एंगल एटी से सेवेंटी हो गया तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ ऑप्शन सी में देखते हैं एट एंड फाइव एंड एंगल इज ऑल्सो एटी तो दिस इज द कॉन्ग्रीट ट्रैंगल यहां पर भी रॉन्ग है बिकॉज एट फाइव सही है बट एंगल यहाँ होता एट्टी डिग्री का तो करेक्ट होता ये यह यहाँ पर है दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नाउ अचीवर सेक्शन क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। टू एंगल उन साइड्स के बीच का होना चाहिए कोई भी एंगल नहीं हो सकता तो दिस इज फॉल्स दिस इज रॉन्ग आंसर ठीक है नेक्स्ट टू ट्रैंगल्स आर कॉन्गोरेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर तो दिस इज करेक्ट इंक्लूडेड एंगल का मीन्स टू साइड और उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज इंक्लूडेड एंगल तो दिस इज ट्रू तो नाउ ऑप्शन देखते हैं ओनली स्टेटमेंट वन ओनली स्टेटमेंट टू तो बी इज द राइट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू दिस इज रॉन्ग नाइ दर स्टेटमेंट वन नॉन स्टेटमेंट टू दिस इज ऑल्सो रॉन्ग तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एन एन उसकी दो साइड सेम होती हैं और उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं सेम होते हैं तो दिस इज करेक्ट फिर है द बाई सेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आईसोसेल्स ट्रैंगल्स बाई द बेस एट राइट एंगल तो करेक्ट है देखो आइसोस सेल्स का मीन से ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया इनके बेस पे इधर भी राइट right एंगल और इधर भी राइट एंगल ठीक है इफ द हाइपोटेनियस एंड एन एक्वेट एंगल ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द करस्पॉडिंग एक्ट एंगल ऑफ अनदर ट्राइ देन ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट तो ऑब्वियस है वो कॉन्वेंट होगा बिकॉज यहाँ पर टू एंगल्स और एक साइड आ गया एस ए से ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा हाइपोटेनियस एक साइड हो गया इक्वल हो गया राइट right एंगल है तो वो नाइनटी डिग्री का होगा और एक्यूएट एंगल है तो वो भी दोनों सेम है तो ए एस ए से वो भी हमारे क्या होंगे कॉन्वरेंट एंगल हो ये वाला क्राइटेरिया यूज हो जाएगा मीन्स ऑल थ्री जो हैं वो करेक्ट हैं तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फिल द फिल इन द ब्लैंक्स द क्राइटेरिया ऑन विच कॉन्वरेंट ऑफ ट्रायंगल डज नॉट डिपेंड तो वो होता है ऑप्शंस में देखो ऑप्शंस में दे रखे हैं ए ए ए तो दिस इज रॉन्ग एंगल 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 का कोई क्राइटेरिया नहीं होता तो ए इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इसके अलावा कहीं नहीं है बाकी भी हम चेक कर लेते हैं इन तो द ब्लैंक्स में क्या आएगा ए ए ए इन द गिवन फिगर ए एक्स बाई सेक्स यहाँ पे जो मिसिंग है वो लिख देती हूँ बी ए सी ठीक है बी ए सी एंड बी डी सी बी डी सी हैं ट्रेंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी ठीक है ए बी डी मीन दिस ट्रेंगल इज इक्वल टू ए सी डी अब देखो ये कैसे होगा कौन सा क्राइटेरिया होगा यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल दो एंगल्स की बात कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल बिकॉज दिस साइड इज कॉमन इन बोथ ट्रेंगल और एंगल्स, दिस एंगल्स तो दिस एंगल इक्वल टू दिस तो दिस एंगल इक्वल टू दिस बिकॉज वो बाईस सेक्टर है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ठीक है तो फर्स्ट के लिए ए ए ए सेकेंड के लिए ए एस ए ठीक है तो जो हमने ऑप्शन किया था उसमें देखो यही होगा नाउ लास्ट है लास्ट के केस में इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए बी ए सी ए बी डी बी इज इक्वल टू डी सी डी बी डी सी एंड दिस साइड इज कॉमन मीन्स यहां पे क्राइटेरिया होगा एस 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 का ये साइड इस साइड के इक्वल दिस साइड दिस साइड के इक्वल और दिस इज कॉमन मीन्स की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल ठीक है to corresponding triangle all three sides equal to corresponding sides of another triangle so s a s a is the right option thank you so much still you have any doubt in any question then please write down in comment section thank you